नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये घटना जो है हिमाचल की है। और दोस्तों होता क्या है कि हिमाचल में आज से लगभग कोई 20 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर गांव में एक परिवार रहता था। तो और वो परिवार था लोहारों का परिवार था। और वहाँ पर उनकी एक पुत्री भी थी और साथ में दो बेटे थे। तो दोस्तों जिस मकान में वो रहते थे वहाँ पर अचानक अजीबो गरीब घटनाएं होने लगती थी। जैसे कभी कभार दोपहर का टाइम होता था तो दोपहर को उसमें अचानक चूल्हे का जल जाना, कि चूल्हे में ऐसे लगता है कि चूल्हा जल रहा है और आग जल जाती थी, लकड़ी सब कुछ उसमें डला हो जाता था और बरामदे में खाट पड़ी होती थी, तो अचानक वो जमीन से उठ जाती थी। और चाय पक जैसे कई बार ऐसे लगता था कि चाय पकने की सुगंध आती थी वहां पर, तो बर्तन भी गिरते थे और डरावनी आवाजें भी आती थी। तो दोस्तों होता क्या कि दिन प्रतिदिन ये जो घटनाएं बढ़ने लग पड़ी और जिससे पूरा परिवार जो था खौफ में जीने लगा। तो परिवार के जो सदस्य थे तो उन्होंने आपस में बैठकर बात की कि भाई इसका क्या किया जाए। तो क्योंकि जब आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सारे परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने पूजा पाठ मंत्र हवन से लेकर सब कुछ किया, जितने भी बड़े से बड़े तांत्रिक उनके भी दरवाजे खटखटाए, मगर वो जो घटनाएं थी वो बढ़ती चली गई। अंत में हार कर उन्होंने सोचा कि अब हम इस मकान को छोड़कर जाने का फैसला किया और साथ में उनकी बेटी भी सामान बांधने लगे वो। तो उनके जो पड़ोसी थे तो उनके पड़ोसी ने समझाया कि भाई घर को छोड़कर जाने का कोई उपाय नहीं है, समस्या को भगाओ आप, कि जो समस्या है भूत है उसको भगाओ, घर के छोड़कर चले जाओ, हो सकता है वो आपके साथ वहीं पहुंच जाए। तो फिर उन्होंने सोचा चलो ये बात तो ठीक है कि अगर हम घर छोड़कर जाएंगे वहाँ रहेंगे, किसी किराए पर मकान लेना पड़ेगा। तो फिर परिवार ने हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया। उसके बाद ऐसा करने से थोड़ा नॉर्मल उनको लगा कि चलो ठीक है, गतिविधियाँ जी थोड़ी घटने कम होगी। तो होता क्या कि गांव में ही कुछ अनुभवी लोग थे तो उनसे पता चला कि भाई क्योंकि ये मकान जो था उन्होंने किसी से खरीदा था और जिससे खरीदा था तो पता चला कि उस जगह पर पुराने मालिक के पास कुछ सगे संबंधियों ने वो मकान झड़प लिया था और वो मरते वक्त भी मकान का जो मालिक था उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति को मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि उसकी आत्मा जो थी ना तो उसी मकान के अंदर रहती थी। तो जिससे जब कोई आता था, जैसे क्या होता है कि जैसे गांव में जो लोग जगह बेच देते हैं, क्योंकि जब भूत प्रेत इस मकान के अंदर रहते हैं तो हम वहां जाते भी नहीं है और हम सोचते हैं कि हमारा मकान बिक जाए, तो ऐसे से उन्होंने बेच दिया था। अब जिसने खरीदा वो तो परेशान हो गया। तो फिर उसके बाद उनको हकीकत का पता चलता है कि ऐसा था। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप उस आत्मा जो मकान का मालिक था उसकी आत्मा की मुक्ति का उपाय करो, जिससे अगर उस मकान के मालिक की मुक्ति हो जाएगी तो आपको परेशान नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो भी उसका क्रियाक्रम वगैरह जो भी था, तो और लोगों को दान दिया और लोगों को जैसे उसके नाम का भंडारा करवाया, शांति पाठ करवाया, जैसे हम करते हैं ना क्रियाक्रम करते हैं, तो शांति पाठ करवाने के बाद क्या होता है कि वो
पर जो आत्मा थी कुछ दिनों में देखते हैं कि वो जो आवाजें आती थी वो सब शांत हो जाता है, और फिर वो उसकी जो जो आत्मा थी उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो अब वो परिवार पूरा सुखी है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं भूत प्रेत है, तो एक तो सबसे पहले कि आप अगर कहीं मकान वगैरह खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदें, और हमेशा जिस भी मकान में आप जाते हो तो वहां पर हमें सबसे पहले हवन करवाएं, पूजा पाठ और हवन किसी भी मकान के अंदर। जब आप पूजा पाठ और हवन करवाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है भूत प्रेत आत्मा भाग जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।